इस बुलेट वाले साइलेंसर को स्प्लेंडर में लगा के देखता हूँ। एक रफा दे दो भाई, लिख ले को देखा के जब। ये लो भाई स्प्लेंडर के लिए बुलेट वाला साइलेंसर बिल्कुल रेडी करवा दिया। हमारा आग जग का फैन क्या होगा? कमेंट करके बताओ ओरिजिनल कौन सा लोकल कौन सा। गाइस बुलेट का साइलेंसर रख कर बिल्कुल रेडी हो गया स्प्लेंडर में, आप देखते हैं इसकी आवाज कैसी आओगी निकल के। 1 2 3 एंड सो गाइस वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हो CHOP के व्लॉग। वो एक फेकोज है। क्यों व्यू का मन कर रहा बुलेट पे घूमने का, सुबह से परेशान हो रहा है। ये चाबी पहले घूम करती थी, बाद में ये चाबी मिलेगी, अब कह रहा कि बुलेट पे कहीं घूमने जाना। तो चलो यार एक राइड लगवा के लेके आता हूँ। गाइज मेरा दिमाग कर रहा है खुरापात काम करने का, मतलब मैं ये सोच रहा कि आज तक किसी ने करा नहीं होगा, अगर करा भी हो तो मैं कह नहीं सकता, बट भाई मेरे हिसाब से ना मैंने देखा आज तक ना तुमने देखा होगा स्प्लेंडर में बुलेट का साइलेंसर लगा दिया। क्या करने वाला हूँ ये वाला साइलेंसर उतार के आज एक सेटिंग करके देखने वाला हूँ। ये जो बुलेट वाला साइलेंसर है ना, इस बुलेट वाले साइलेंसर को स्प्लेंडर में लगा के देखता हूँ, फिर देखेंगे भाई जैसे बुलेट की आवाज आवे वो वाली आवाज इसमें आएगी निकल के, या फिर कुछ अलग आएगी, या फिर पोपट हो जाओगा, जो भी होगा वो बाद की बात है, बट भाई एक बार करके तो देख लेंगे। ये पिछले वाला साइलेंसर है ये उतार के सीधा इसे बबली में लगा दूंगा। बुलेट में नहीं बबली में लगाऊंगा। हाँ वो हटा देंगे। नहीं जैसा व्यू कह रहा है ऐसे ही करना पड़ेगा काम, बट पहले एक बार ये चीज देखनी पड़ेगी इसमें साइलेंसर लग रहा ना लग कैसे रहा, इसका क्या जुगाड़ है, वेल्डिंग वाला जुगाड़ होगा या फिर कुछ और जुगाड़ होगा, तो वो सारी चीज देखनी पड़ेगी ना एक बार। पापा दे दो पापा। कपड़े का क्या करेगा? मैं तो पकड़ूंगा इसे, ये पकड़ूंगा मैं इसे आज मैं इसे पकड़ूंगा साइलेंसर को, आज मैं साइलेंसर पकड़ूंगा। मुझे आज अपना हाथ जलाना, मैं पकड़ूंगा आज साइलेंसर अपना, आज हाथ जलाऊंगा मैं अपना, आज मैं बुलेट वाला साइलेंसर अपनी स्प्लेंडर में जोड़ पाऊंगा या नहीं जोड़ पाऊंगा, जो भी होगा जुगाड़ करके देखेंगे। ये वाले पैंच तो बहुत आराम से खुल गए, बट भाई ये वाला सिस्टम नहीं खुल रहा यार, यहाँ आके तो अपने औजार भी फेल हो गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है खुलेगा कैसे, ये बहुत टाइट बंद हो रहा है, या तो मिस्त्री पे खुलवाना पड़ेगा जाके, या फिर भाई जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी अब इसके साथ। उन्हें काम कर दिया हमारा एक वो बोल्ट खोलने वाला गुम ही कर दिया, कहीं फेंक दिया इसने नाली वाली में, फेंक के ना वो भाग गया। बबली भी भाई अपनी बुलेट से कम नहीं है, बट भाई एक बार बुलेट का साइलेंसर लगा के ना मतलब मन में उचाटी हो रही कि ये देखना कि आवाज कैसी आओगी निकल के। एक बार पुराने औजारों से खोल के देखता हूँ, क्या पता इससे खुल जावे। और ये वाला बोल्ट अरे की बात होगी, डंगर फैमिली में तो एक मेंबर बाहर गया डॉक्टर के पास, यहाँ का तो पुराने वाले औजार भी फैल हो गए, अब तो मिस्त्री के पास लेके जाना पड़ेगा। मिस्त्री के पास ना इस टाइप का पन्ना मिलेगा और वो इसमें ऐसे डाल के एक मिनट लगेगी इसे बैठ देगी खोलने में। मिस्त्री की दुकान पर आते ही तुरंत काम हो गया। ये रिवाइज की ढोलगी, अब इसकी सेटिंग स्प्लेंडर में करवाने के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम करवाना पड़ेगा, वेल्डिंग वोल्डिंग का सिस्टम करवाना पड़ेगा, ये वाले पाइप ढूंढ के लाने पड़ेंगे। बुलेट ले जाकर घर खड़ी करते हैं और स्प्लेंडर को लेके चलते हैं। अरे एक मिनट रुक जा, स्प्लेंडर में चढ़वा बुलेट का साइलेंसर स्प्लेंडर में। और ये भाई पटाके मारती ना तो बुलेट वाले साइलेंसर को लगाएगा, इसके पटाके भी देखते, बट भाई कोई बात नहीं, ये BS6 है ना, और 1% भाई क्या पता बुलेट वाले साइलेंसर लग के पटाके भी मार दे। ऐसा हो जावे भाई जादू हो जावे कुछ, बट जादू कभी हो नहीं करते। मार्केट में जाने से पहले एक बार खाना खाने के लिए आया था ऊपर, यू के पास तो है ये वाली गाड़ी, और ये कल खरीद के लाया था 60 रुपए की गाड़ी। रेस करे मेरे साथ, करे आ जा मेरठ से लाया। हाँ। कल हम मार्ट में से लाए थे। 1 2 3 मैं जीता। पापा हाँ। मैं इसे ले जाना वहाँ बहन गया मेरी गाड़ी हल्दी। 60 रुपए वाली गाड़ी का पहिया भी तोड़ दिया। के साइलेंसर की सेटिंग स्प्लेंडर में करवाने के लिए बहुत देर से दुकानों पे घूम रहे, जो चीज चाह रही ना जो इसके अंदर फंसेगा, जैसे ये पहले फंस रहा था ना बुलेट में, तो ऐसी चीज हमें लेनी पड़ेगी, और उसके बाद हम जो स्प्लेंडर का बैंड पाइप हो गया ना वो नीचे वाला, उस वाले बैंड पाइप में से एडजस्ट कर ले। बट भाई कोई भी मिस्त्री हाँ नहीं भर रहा, पूरी बड़ौद के अंदर किसी के पास भी 2 इंची और 1.5 इंची के बीच वाला पाइप नहीं है जो पाइप इसके अंदर सेट हो सके था। ये दुकान वाला भाई कह रहा था भाई थोड़ा बहुत जुगाड़ कर दूंगा, बट भाई इसने भी टाइम पाने के बाद मना कर दिया कि जुगाड़ हो नहीं सकता, अब एक दो दुकान और देखते हैं ट्राई करके, उसके बाद फिर अपना दिमाग घसाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कहीं और से कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा। आज भी कबाड़ की दुकान पर आगे यहाँ ट्राई करते हैं भाई, अगर यहाँ मिल गई जो चीज हमें चाह रही, इस वाली कबाड़ी में आके ये वाला पाइप मिल गया और इतना ही पाइप चाह रहा था, अब इस पाइप में थोड़ी सी खराद भी करवानी पड़ेगी ताकि ये फटे ना। पहले अब खरादिया वाला मिस्त्री ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद वेल्डिंग वाला ढूंढना पड़ेगा। खराद वाले मिस्त्री के पास तो आ गया, थोड़ा मार के फंसा दिया, अब यू निकालना पड़ेगा गाड़ी से, रुक जाए एक मिनट, ताकत कम पड़ेगी दिखे ना तो फटे।
और भाई यूं घूमेगा नहीं। अगर मैं एक बार भी तगड़ा थोड़ा मार देता ना तो इसके पुर्जे ऐसे घुल जाते ना। मामला प्रॉपर बिल्कुल सेट हो गया, यहाँ से ये वाला बोल्ट टाइट करते ही इसके लीकेज भी नहीं आने का, बाहर ना धुआं निकलने का। अब इसे लेके चलते हैं वेल्डिंग वाले के पास। ये तो तुम यू ही रखोगे। एक जो सामने उतार के देना पड़ेगा चाचा को, जिसका जो काम है भाई वो वही करेगा, फालतू काम नहीं करने का कोई। एक जो इसकी नाड़ इतनी गर्म है कि अगर हाथ लग गया ना तो वहां से हाथ टूट जाएगी। बट भाई एक बात बताऊं तुम्हें, जो एक जो है ना ये तो बहुत कम गर्म हो, ये नाड़ बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, पता नहीं ये गर्म ही नहीं होता यार इतना। ये आगे निकल का अपना एग्जॉस्ट, अब ये बाद में वेल्ड करवाऊंगा, अभी इसका कोई काम नहीं है, हमसे रखते हैं यहाँ अलग। अगर जो मैं नाल खरीद के लेके आया था ना वो वाली नाल भाई छोटी करनी पड़ेगी। अपना भाई भी मिल गया यहीं। और सुनाओ मेरे भाई, मौजवार वो कटवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ जो बोल्ट होगा ना ये वाला टाइट हो जाएगा, वरना फिर इसमें भी कुछ सेटिंग करवानी पड़ती, पत्ती वत्ती लगवा के। बट अब कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, सीधा वेल्डिंग का मामला और यहाँ जाके बोल्ट खींच जाएगा। ओके मामला रिपोर्ट। थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है, अभी एक काम करवाया, जो ये साइलेंसर था ना यहाँ पूरा सेट करके तब उसके बाद वेल्डिंग यही लगवाई। अगर एक बार भी पैंट वेंट उतर जाता ना बाइक का तो दिल बहुत दुखता है, तो इसलिए पत्ती भी लगवा ली थी नीचे। चलो भाई फूकनी बिल्कुल तैयार होगी, बट ये इतनी गर्म है अगर किसी के पिछवाड़े पे लग जाती ना तो मामला ही बिगड़ जाता। ये वाली फूकनी बनकर रेडी होगी ना, चाहे हम उतार कर रख भी ले, पास में चढ़ा लेंगे घर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने की। बस मेन काम था ये वाले तैयार होना। ये परसों में तुम्हें बता रहा था कि ये साइलेंसर यहाँ से आवाज फेंक है इधर की साइड में से, अब एक काम करता हूँ खरादिया के ले जाकर इसे भी आगे से बिल्कुल गोल करवा लूँ, बिल्कुल एकदम ओके मामला। बैंड पाइप को लेकर चाचा के पास तो पहुंच गया, बट भाई एक प्रॉब्लम होगी, ये बैंड पाइप यहाँ सेट नहीं होने का खराद वाली मशीन में, तो आगे से बिल्कुल गोल नहीं होने का। कुछ तो दिमाग लगा दो भाई, लगा दे पता नहीं आने का, जो बनता तो मैं कर देता। अपने मित्र के पास आ गए, ये करेगा जुगाड़। ये लो भाई स्प्लेंडर के लिए बुलेट वाला साइलेंसर बिल्कुल रेडी करवा दिया। ओके मामला डन, रिपोर्ट होगी। सामने से ये भी घसवा दिया, चमक मार रही होगी इसमें भी, पूरा मामला सेट हो गया यार इसका। आवाज भी सुनवाता हूँ तुम्हें, मैं भी इसके लिए उत्सुक हो रहा, ये भी उत्सुक हो रहा कि कब इसकी आवाज सुनेंगे। चल पकड़ ले बस मिस्त्री के जाके बोल्ट खींच के आवाज सुननी बस इसकी। मिस्त्री की दुकान पर रुक के एक छल्ला और ले लिया, क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि ये छल्ला बेकार हो रहा अंदर वाला। बार बार ये पटपट की आवाज निकले थी ना वो फूंक फूंक की, वो वाली आवाज निकालनी बंद करनी, तभी तो पता लगेगा कि बुलेट वाले साइलेंसर में कैसी आवाज आओगी इसकी। गाय भी मिस्त्री के पास पहुंच गया, मन तो था घर जाके इसका काम करने का, बट भाई मैंने सोचा क्यों ना यहीं से पूरा सेट करके घर ले चलूं। कैसा लगा बुलेट का साइलेंसर? हां लड़के, मिस्त्री के मेरे ऊपर मोटा कर्जा उधार हो लिया, इसकी दुकान पर मैं आऊं सामान ले लूं कुछ भी, बट भाई फर्क दिखाऊं मैं, ये वाला व्हाइट कलर का तो मैंने लिया इसकी दुकान पे थे, और ये लिया मैंने दूसरी दुकान पे थे। अब इनमें फर्क देखो, कमेंट करके बताओ ओरिजिनल कौन सा लोकल कौन सा। ये देखो, भाई बुलेट का साइलेंसर रेडी होने वाला है स्प्लेंडर में, और थोड़ी देर में और ज्यादा ना मोड़ा आपके तो मुड़ी पड़े भाई तेरी, अगर पन्नेर चाप भी घिसा कर दे तो मेरे पता पीछे लेकर था। जिस दिन मेरे 1 मिलियन हो जाऊंगे उस दिन मैं मिस्त्री को गिफ्ट करूंगा, पता क्या गिफ्ट करूंगा, ये जो इसका ऐसा सेट, इसका एक ऐसा सेट या इसका एक ऐसा सेट गिफ्ट करूंगा। यार गिफ्ट तो गिफ्ट हो मेरे भाई, ये तो लालची है। गाइस बुलेट का साइलेंसर रख के बिल्कुल रेडी हो गया स्प्लेंडर में, आप देखते हैं इसकी आवाज कैसी आओगी निकल के। 1 2 3 एंड स्टार्ट। बिल्कुल बुलेट वाली फील, ना तो यहाँ से लीकेज है बिल्कुल भी, अब की बार तो यहाँ से भी कहीं से लीकेज नहीं है। आवाज बता कैसे? मैं मेरे भाई को आवाज बता, कसम तो बढ़िया लगी, देख झूठ ना बोलियो दिल तो बताइए। एक नंबर का हाँ बेटे, ओ भाई फुल पिकअप मोटरसाइकिल में फुल पिकअप भाई, यू ताऊ ने काला काला लगाया ना, देख लो कितना नुकसानदायक है, यू धुम्मा ही फेंकता रहेगा। अभी घर पहुंच गए, बट भाई काम करना पड़ेगा, जो नीचे वाला बोल्ट है ना ये भी एक बार टाइट कर लूं, फिर उसके बाद प्रॉपर मामला सेट है। इसके पीछे चाबी लगानी पड़ेगी, बट हमारे पास ये वाला सिस्टम है, अब इसके पीछे चाबी लगा। ओह भाई जब तक तो मैंने सोचा था कि मैंने एक शेर पाल रखा, बट भाई आज मुझे पता लगा यू शेर नहीं है, यू तो बब्बर शेर है।
बब्बर शेर ना बंदरू के लिए लड़ता, ये बंदर आया हमारे घर में, यहाँ केला पड़ा था, केला खा के चला गया और पीकू से देख के अंदर चला गया। दो बंदर बैठे हैं ना, देखा भीतर जा रहे हैं। लड़ाई नहीं करना चाहता, यू भाईचारा बना रहा। क्या पता पीकू कमरे में इसलिए आया हो क्योंकि ये छोटी सी यही थी, बंदर इसे भी उठा के ले जा सकता था, तो पीकू इसकी रक्षा करने के लिए आया हो अंदर। तू समझा पापा, तुम कुत्ते घूमा ये भी टाइम होगा पिकू को बाहर घुमाने का, साथ में मैं अपने कटड़े को भी लेके चलूंगा। और गाइज आप लोगों ने बहुत सारे नाम कमेंट करे, थैंक यू सो मच। बट गाइज कुछ अपने भाई लोग आए हुए थे घर पे और उन्होंने भाई ये रिक्वेस्ट करी कि भाई यही नाम रखना। अगर भाई लोगों ने भाई बोल दिया, तुम लोगों ने बोल दिया कि ये नाम रखना, और घर पे भी आगे ये कह रहे थे भाई यही वाला नाम रखना, तो गाइज वही वाला नाम रखेंगे भाई। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दूं, उसके बाद नाम तुम्हें बताना कि क्या नाम हो सके है, बता दूं। आसमान में काला धोला सारी चीज हो है, अब तुम सोच के बताओ कि इसका क्या नाम हो सके है। नीचे क्यों गया? मैं नू देखना चाह रहा था क्या स्प्लेंडर बुलेट बन सके है? बनगी बुलेट या पता नहीं की बनगी। एक बार व्यू को भी आवाज सुनवा दू भाई अपनी बबली की आवाज कैसी दे रही है, क्योंकि बुलेट का साइलेंसर लग रहा ना, पता लगेगा कैसी है। एक नंबर की लगी। पापा मुझे कभी भी कहता है कि भाई तेरे पास इतने पैसे होते तो बुलेट ले लेता नू कर लेता वो कर लेता, तो गाइस फाइनली मैंने क्या करा, अपनी स्प्लेंडर में बुलेट का साइलेंसर लगवा दिया। अब बुलेट वाली फीलिंग आने लगेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसमें टायर तो बुलेट से मोटे मोटे पड़े और साइलेंसर बुलेट वाला लग गया, बस इंजन कम सीसी का, इसमें ज्यादा सीसी का, इसकी लाइट गोल है, इसकी लाइट चकोर है, बाकी और क्या है। आज मेरे हाथ में जेब डाया है तो थोड़ा सा सीधा चल रहा, नहीं तो भाई खुरापात कर रहा था रोज की रोज। नहीं मुझे लग रहा भाई इसके दिमाग में इनके साथ लड़ने की आ रही या फिर इनसे डर रहा हूं। हिंट की जरूरत है, जब भी आप लोग हिंट को बिल्कुल सही कर दोगे वो देख लो, वो चेक करो भाई आसमान में। घर वाले कह रहे थे भाई पिकू ना नुआ कर नहर में क्योंकि इसमें तो बहुत बुरी बदबू मारा है, बट भाई से तो मौका मिल रहा, अब इसके साथ यू भी कूद दक रहेगा, आज ले रहा अपनी जिंदगी के फुल में जाइए। देख लो अपने आप ही कह रहा मेरे मुंह पर पानी मारो, ले पी मेरे भाई पानी पी जम के, अब पानी में नहा जम के देर में खड़े करूं मोटरसाइकिल ना भाई ने अंदर पापा ये ना करता दूसरी को टूटी फूटी जाएगा, मैं करूं खड़ी मां क्या करे तू इसका मॉडिफाई करूंगा एक रफा दे दो पापा लिख ले को दे कागज पे पापा मैं नहीं दूं मॉडिफाई के लिए ना तेरी जान पापा सुन तो मैंने मॉडिफाई के लिए कद पीछे मांगे तेरे पता है नहीं तू कुबाड़ ठाता फिर एक कुबाड़ हुआ ऐसा बेच ले कौन सा कुबाड़ी को पड़े नहीं वो गेयर में मोटरसाइकिल पापा वो तो दिमाग लगा रहा खीत है वो तो पापा पुरानी है अभी मोटरसाइकिल उसमें तो अभी करेंगे कुछ मॉडिफाई करना है मोटरसाइकिल या जा रही है आपका बुलेट और जा रही है एक देसी बुलेट चल मैं भगा गाइस इसकी आवाज डबली इसकी स्प्लेंडर ने साइलेंसर लगवा के तो सिस्टम ही आएगा हो गया, बट एक काम करना पड़ेगा भाई और भी ज्यादा आवाज आओगी जब हम इसमें जो नुड़की है ना जो बैंड पाइप है ना उसे चौड़ा डलवा देंगे। कल मैं व्यू को ये वाली गाड़ी दुआ कर लाया था, अब देख लो इस गाड़ी का हाल क्या हो रहा, तीन पहिए कहाँ है इसके परे, अब गाड़ी में होने चाहे वो परे क्यों है, वो क्यों है परे। आज का लोग अपने एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय। पापा पापा।